बाहर कैसे निकलूं मेरे खाके बाहर, मेरे देवर कसम दे गई है। देवर की आन मान रही हो, देवर की सौगंध मान रही हो मैया, आप तो जानती हैं कि नारी का सबसे बड़ा धर्म केवल गृहस्थी धर्म हुआ करता है। आपके सुंदर मुखारविंद की ओर दृष्टिपात करता हूं तो आभास करता हूं कि आप कोई छत्राणी हैं, और छत्रियों का तो धर्म ही धर्म की रक्षा करना होता है। माता, यद्यपि आज आप इस रेखा के बाहर आ नहीं सकती तो मैं आपकी इस भेंट को स्वीकार नहीं करूंगा। मैया, मैं जा रहा हूँ अलख निरंजन। रुकिए रुकिए, अलख निरंजन। क्या रुकिए महात्मन, अब देवर की आन रहे न रहे, देवर की आन रहे ना रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का रखना चाहिए। अब मैं रेखा का ये ध्यान छोड़े करती हूँ कर्म गृहस्थी का, स्वीट है। तूने मुझे कोई साधारण भिक्षुक समझ रखा है? क्या मैं तेरे इन बासे फलों का भूखा हूं? कदाप नहीं। अरे दुष्ट, बहुत भोली हो सीते। इसमें कौन है? चुप, खामोश हो जा, दुष्ट कह रही है। सीते, तुझे सोना बहुत प्रिय है ना, आज मैं तुझे ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां पर वो बड़े बड़े महल अट्टारिकाएं सिर्फ सोने की होंगी, और सोने की। इतना ही नहीं, जिस पात्र में सीते तू जल ग्रहण करेगी वो पात्र भी केवल सोने का होगा। इतना ही नहीं सीते, जिन बिस्तरों पर तू शयन करेगी वो बिस्तर भी सोने के होंगे। दुष्ट कह रही है, दुष्टता को देखा नहीं है, जानना चाहती है मैं कौन हूं। अरे तो ना मैं कोई योगी अथि, ना मैं कोई ईश, देख तेरे सामने ये बीस भुजा। सोना चाहिए ना तुझे। सोना चाहिए ना तुझे, सोना। आज तुझे वो जगह दिखाऊंगा जी में खिलाऊंगा तुझे, और सोने के बिस्तर में सुलाऊंगा तुझे, सोने के प्याले में पानी पिलाऊंगा तुझे। चल, बहुत सोना देखती है ना, बहुत सोना चाहिए,
सोना ही सोना है मेरे पास, चल। हाय स्वामी मेरी रक्षा करो, हाय भैया लक्ष्मण मेरी रक्षा करो, रक्षा कोई करो। नहीं आने वाला,